उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं. शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द लाइन y इज इक्वल्स टू mx+c इज y by x is equals to m plus minus tan theta 1 minus minus plus tan theta into m. इसका एक रफ डायग्राम बनाकर देखते हैं. एक लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है, ये हो गई. अब एक लाइन है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन. अब ये जो लाइन है ओरिजिन से जा रही है और एंगल थीटा बना रही है लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ. ये मान लो एक लाइन है, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. अब जो ये लाइन है इससे ये एंगल बना रही है थीटा. हम ये वाला एंगल थीटा भी कंसीडर कर सकते थे. अब यहां पर ये जो लाइन है इसका स्लोप m हो गया और ये जो लाइन है ये वाली लाइन जो ओरिजिन से जा रही है जिसकी हमें इक्वेशन दिखानी है कि इसके इक्वल आएगी y अपॉन x इज इक्वल्स टू दिस. अब इस लाइन का स्लोप हमने कंसीडर कर लिया कि M1 आएगा. चलो M1 इस लाइन का स्लोप है तो हमको ये मालूम है कि tan थीटा दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 व्हिच इज M माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M M1 के बराबर. और ये एंगल हम एक्यूट लेके चल रहे हैं तो हमने यहां पर मॉड लगा लिया. मॉडुलस का मतलब है कि tan की वैल्यू यहां पर अब पॉजिटिव ही होगी. अब यहां पर हमें निकालना क्या है, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जिसका स्लोप m1 है. पॉइंट तो हमको मालूम होगा कि 0 0 है, स्लोप मालूम होना चाहिए केवल. और हमने इस लाइन का स्लोप क्या माना है, m1. तो इस रिजल्ट से हम m1 निकालेंगे और अगर m1 निकालेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी क्योंकि पॉइंट हमको पहले से मालूम है कि जब लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो वो 0,0 से पास कर रही होगी. अब यहां से देखो, हमको ये मालूम है कि जब भी कहीं मॉड ऑफ एक्स लिखा है तो इसे जब फाइनली मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस एक्स लिखा जाता है. तो यहां पर भी प्लस माइनस एम माइनस एम वन वन प्लस एम एम वन ये टैन थीटा के बराबर है. पहले हम पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं और m1 की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं. तो tan थीटा इज m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1. तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, tan थीटा 1 प्लस m m1 इज इक्वल्स टू m माइनस. अब tan थीटा को अंदर इंटू कर देते हैं तो tan थीटा प्लस tan थीटा m m1 इज इक्वल्स टू m माइनस m1. हमें चाहिए क्या m1, m1 को कैसे निकाल सकते हैं, आप इसको उधर ले जाते हैं और इस tan थीटा को इधर ले आते हैं. m1 प्लस tan थीटा m m1 is equals to m minus tan theta. देखिए क्या किया इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने, यहां पर m1 को इधर ले गए तो ये आ गया m1 और ये tan theta m m1 यहां लिख लिया है, m यहां पर था और tan theta उधर से ट्रांसफर करके लिख दिया गया. m1 हमारे पास कॉमन भी है तो 1 plus tan theta m is equals to m minus tan theta. m1 की वैल्यू क्या आ गई, m minus tan theta upon 1 plus m tan theta. ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई.
अब माइनस साइन लेकर के फिर से एक बार m1 निकाल दिया जाए, क्योंकि इक्वेशन तो बहुत आसानी से लिख दी जाएगी, क्योंकि 0, 0 पॉइंट है। इक्वेशन क्या होगी इसकी, y माइनस 0 m1 टाइम्स x माइनस 0। तो इक्वेशन देखिए क्या होगी इसकी, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स x माइनस 0। इसमें तो y अपॉन x इज इक्वल्स टू m1 ही आनी है इक्वेशन, और यहां पर देखो y अपॉन x इज इक्वल्स टू ये m1 लिखा हुआ है। m1 की दो वैल्यूज पॉसिबल है, देखो m माइनस tan थीटा, नीचे माइनस है तो यहां प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्म तुमने दिखा दिया है। अब एक वैल्यू m1 की और पॉसिबल होगी जब हम यहां पर पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन लेके चलेंगे, और जैसे m1 की जो वैल्यू आएगी देखिए वो कितनी आएगी, जब यहां पर प्लस होगा m प्लस tan थीटा तो नीचे माइनस आ जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, ये डायग्राम मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर हमने नेगेटिव, यहां पर मैं पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो माइनस टैन थीटा, यहां पर जो माइनस आएगा हमने इधर माइनस ले लिया, एम माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम एम वन, ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो माइनस टैन थीटा हमने डायरेक्ट से इंटू भी करना शुरू कर दिया, माइनस टैन थीटा एम एम वन इज इक्वल्स टू एम माइनस एम वन। इस इक्वेशन से भी हमें क्या चाहिए, एम वन की वैल्यू, तो एम वन इधर ले आओ, m1 minus tan theta m m1 is equals to m, और अब जब tan theta जब ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, plus tan theta, m1 कॉमन ले लो, 1 minus tan theta m is equals to m plus tan theta, और m1 is equals to m plus tan theta अपॉन वन माइनस एम टैन थीटा। देखिए ये भी वैल्यू एम वन की है और यहां पर जो निकली वो भी वैल्यू एम वन की है, और दोनों वैल्यूज को अगर कंबाइंड करके लिख दें, जो हमें यहां रखना है एम वन, यहां लिखते रहो इक्वेशन, इक्वेशन है वाई माइनस जीरो एम वन टाइम्स एक्स माइनस जीरो। एम वन की जो वैल्यू है वो अगर हम दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके लिख दें तो देखिए ये आ जाएगी y अपॉन x इज इक्वल्स टू m प्लस tan थीटा 1 माइनस m tan थीटा, प्लस वाले से ये वाला केस सेटिस्फाइड है, और जो नीचे लिखा है m माइनस से वो ये वाला केस है। तो जब आप दोनों को कंबाइन करके यहां लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू m1, और m1 की ये भी वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो आप यहां लिख देंगे इस तरह से, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया।